दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए भारतीय डाक विभाग की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2023 में एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आज ही से शुरू होने जा रही है। 30,041 बम्पर वैकेंसीज निकली है। ग्रामीण डाक सेवक GDS पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 अगस्त 2023 है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर सर्कल वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं भारतीय डाक विभाग सीधी भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत यहां पर यह भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें ग्रामीण डाक सेवक की। GDS की पोस्ट निकली है। इसके अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। टोटल यहां पर 30,041 बम्पर वैकेंसीज निकली है। अगस्त 2023 की ये बड़ी भर्ती की अपडेट है। बात अगर सर्कल वाइज वैकेंसीज की जाए तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश के लिए देख सकते हो, तेलुगु लैंग्वेज रहेगी। UR कैटेगरी के लिए 497 पद है। OBC के लिए 152 है। SC के लिए 144 है। ST के लिए 66 है। EWS के लिए 68 है। PWD A के लिए 5 है। PWD B के लिए 13 है। PWD C के लिए 13 है। PWD DE के लिए वैकेंसी नहीं है। कुल मिलाकर 1,058 वैकेंसी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए निकली है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सभी सर्कल के लिए वैकेंसी कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो असम के लिए, असम के यहाँ पर अलग अलग 3 लैंग्वेज के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। सभी के लिए आप देख सकते हो 675, 163 और 17 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। तो इसी तरह से सभी सर्कल के लिए देख सकते हो। बिहार के लिए यहाँ पर 300 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ के लिए 721, दिल्ली के लिए 22 है। गुजरात के लिए भी यहाँ पर 1,850 वैकेंसीज है। हरियाणा के लिए देख सकते हो, हरियाणा के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी 215 है। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर 418 वैकेंसीज है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 300 वैकेंसीज है। झारखंड के लिए देख सकते हो 530 है और कर्नाटका के लिए यहाँ पर 1,714 वैकेंसी जिसमें निकली है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हो केरला के लिए 1,508 है। मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर 1,565 है। महाराष्ट्र के लिए देख सकते हो अलग अलग 2 महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 76 और 3,078। नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न के लिए देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न के लिए वैकेंसीज है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 3,078, 115, 16, 87, 48, 68 और यहाँ पर 166। ओडिशा के लिए देख सकते हो 1,279 वैकेंसीज है। पंजाब के लिए भी यहाँ पर 3 अलग अलग लैंग्वेज में वैकेंसीज की अपडेट है। यहाँ पर 37,2 और 297। इसी तरह राजस्थान के लिए देख सकते हो 2,031 है। तमिलनाडु के लिए 2,994 है। उत्तर प्रदेश के लिए भी 3,084 वैकेंसीज यहाँ पर इसमें निकली है। उत्तर प्रदेश के बाद में आप उत्तराखंड के लिए देख सकते हो 519 है। वेस्ट बंगाल के लिए अलग अलग सर्कल के लिए यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में 2,014, 42, 54 और 17 है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ में आप तेलंगाना के लिए देख सकते हो 961 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हो 30,041 वैकेंसीज निकली है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें यहाँ पर दे दी गई है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 3 अगस्त है। लास्ट डेट 23 अगस्त 2023 है। एडिट या करेक्शन की डेट 24 से 26 अगस्त 2023 है। सेली ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,380 है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर
एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 है प्रति माह के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। मेरिट के आधार पर चयन होगा। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की यहाँ पर यह भर्ती निकली है। यहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ही आपको सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ ओपन हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। GDS का न्यू नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए। GDS के लिए यहाँ पर न्यू विज्ञापन जारी किया गया है। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। IndiaPostGDSonline.gov.in से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर डेट दी गई है आवेदन करने की 3/8 से 23/8/2023 है। एडिट करेक्शन की डेट 24/8 से 26/8/2023 है। सैलरी डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोस्ट के लिए देख सकते हो बीपीएम के लिए 12,000 से 29,380 एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 है प्रति माह के लिए। तो यहाँ पर सैलरी डिटेल के बाद में आप यहाँ से जो प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपको अलग अलग जॉब के लिए प्रोफाइल की डिटेल दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल रीड आउट कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। अपर एज रिलैक्सेशन की भी इंफॉर्मेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में आपको जानकारी दी गई है जैसे कि एससी एसटी को यहां पर 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल की है। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल की। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल की एज में छूट दी गई है। इसी तरह यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं क्लास पास आपका होना अनिवार्य है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हो जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज, साइकिलिंग नॉलेज। और साथ ही साथ यहां पर आप रिजर्वेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रीड आउट कर सकते हो। मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की भी पूरी प्रक्रिया दी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों, हमारे पोर्टल पर सर्कल वाइज नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी सर्कल वाइज नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप वीडियो को पॉज करके या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये इसका होम पेज है। आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है इस पोर्टल पर, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन का पीडीएफ का यहाँ पर भी लिंक दिया गया है और इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप इस भर्ती के लिए सिंपल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।